गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम आपको एक्सरसाइज 3.1 के साथ करा रहे थे। 3.1 के आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक इस क्वेश्चन का था, एक इस क्वेश्चन का था। एक में आपको रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था, एक में हमने बताया था आपको डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, इन क्वेश्चन में हम फिर से समझा रहे हैं, समझ लो, नहीं समझ में आया तो कैसे सॉल्व करते हैं समझो। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यह आपका 25 डिग्री, हमने क्या बताया था कि डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 पर 30, इट मींस 5 पाई बाय 36 रेडियन। ओके, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ऐसे सेकंड पार्ट और बता देते हैं इसका। सेकेंड पार्ट आपका -47 डिग्री 30 मिनट, हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ओके, ये मिनट का साइन होता है, ये सेकेंड का साइन होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसको चेंज करो, -40 डिग्री तो ऑलरेडी है, ये आपका 30 है, कितना हो जाएगा 60। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 3 6, इट मींस -47 1/2, इसको मैं स्ट्रक्चर में लिख लूं 90 2 7 14 2 4 8 1 9 प्लस 1/2 95/2। ओके, अब इसको रेडियन में चेंज करके हम वही करेंगे, 5 by 180 से मल्टीप्लाई 95/2 इनटू 5 by 180। ओके, 180 5 से डिवाइड करो, 5 by 5 = 45, 5 से 5 = 15, 5 से 30, आंसर यू गेट 19 pi by 72। ओके, रेडियन, ये आपका आंसर। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन है या कुछ नहीं क्वेश्चन होगा। ओके, अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम बता दे रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैथ का मतलब पहले हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, प्रपोज भी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेटर है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 11/16, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको उसमें पाई बाय 180 से करा था, इसमें 180 बाय पाई से कर देना मल्टीप्लाई। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 11/16 इनटू 180 अपॉन 22/7, ऐसे कर लेना। तो 11 हो गया 22, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 ना जे 18। ओके, 2 से और कैंसिल कर लो इसको, 2 8 16, 45। ओके, 45 × 7/8, ये आपका कितना सॉल्व हुआ, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 45, 7 × 7 = 28, 31/8। ओके, इससे आप डिवाइड कर दो, 8 × 8 = 24, कितना बचेगा हमारे पास, 7 × 8 = 72, बचे कितना 3, देखो 3/8 ये आ गया आपके पास, यानी 39 डिग्री हो गया। अब 3/8 को हम किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको कैंसिल कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर देते हैं 3 × 60 = 180 कैंसिल कर लो, 2 8 2 9 18, कितना हो गया, और कैंसिल कर लो, 2 या 4 45 by 2 39 डिग्री। अब 2 का डिवाइड इसमें दे दो, 2 का डिवाइड इसमें देंगे 45 में, तो 2 या 4 कुछ नहीं आया, 5 3 9 3 2 या 4, ओके 1 आ गया, तो यानी कि 22 मिनट बचा क्या हमारे पास, 1/2, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये इसमें मिनट में है, मिनट को हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं,
सेकंड इट्स योर आंसर। ओके, इसको वीडियो को एक दो बार पॉज करके देखो, मैं अपने आप समझा रहा हूं। केवल आपको क्या करना है, डिवाइड या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, थर्ड पार्ट है जो बता दे रहे हैं, फोर्थ पार्ट भी आपका करना है। ओके, लेट्स सी, ये आपका 5.5 थर्ड पार्ट, 5.5/3 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 180/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, 365 डिग्री। ओके, इट्स योर आंसर। ओके, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, प्लस हम आपसे फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई चीज छूट गई होगी फिर से बता देंगे। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।